हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम कोरल ड्रो के अंदर क्रोम के लोगो को कैसे बनाएंगे वो सीखने वाले हैं। सबसे पहले आप एक न्यू डॉक्यूमेंट ले लीजिए और न्यू डॉक्यूमेंट के बाद यहाँ पर आपको सर्कल को ड्रॉ करना है। यहाँ पर हम एक न्यू फाइल लेने के बाद जब कोई सर्कल ड्रॉ करेंगे तो हमें इस बैकग्राउंड पे ही सर्कल बनाना है, इससे बाहर या इससे बड़ा नहीं बनाना, क्योंकि उसका साइज़ अगर बड़ा होता है तो फिर उसमें थोड़ा टाइम कंज्यूम ज़्यादा लगेगा। आप कंट्रोल के साथ एक सर्कल ड्रॉ कर लीजिए। सर्कल जैसे ही आप ड्रॉ कर लेंगे आप F4 की को प्रेस कीजिए कोरल ड्रॉ में। F4 की से आपका ऑब्जेक्ट जो कि आपने सिलेक्ट किया हुआ है वो जूम होके आपको पेज पर दिखाई देगा। आपको ऊपर वाले पॉइंट पे जाना है। इसे छोटा करने से पहले आप शिफ्ट की को प्रेस कर लीजिए और शिफ्ट की प्रेस करने के बाद जब आप क्लिक करके इसे अंदर की तरफ लेके जाएंगे आपको उसका शेडो दिख रहा होगा कि वो कितना छोटा हो रहा है। आपको क्लिक छोड़ने से पहले क्लिक दबाए रखना है, क्लिक छोड़ना नहीं है और राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करते ही आपका एक सर्कल, एक डुप्लीकेट सर्कल उसी साइज़ का बन जाएगा। सेम एज हम फिर से गए ऊपर वाले टॉप पे, उसका साइज़ रिड्यूस करना है लेकिन शिफ्ट को दबाते हुए। शिफ्ट दबाते हुए आपको इस तरीके का एरो दिखाई देगा जिसमें चारों तरफ उसका एरो का पॉइंट दिखाई दे रहा है। आप अंदर की तरफ फिर से साइज रिड्यूस करोगे और क्लिक छोड़ने से पहले आपको राइट क्लिक दबा के क्लिक छोड़ना है। इस तरीके से आपके सभी सर्कल्स बन चुके हैं। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर टूल्स के अंदर फ्री हैंड टूल को लेना है। फ्री हैंड टूल को लेने के बाद आप सबसे टॉप वाले सर्कल पर जब जाएंगे यहाँ पर आपको एक छोटा सा पॉइंट दिख रहा है नोट टाइप का। यहाँ से आपको क्लिक प्रेस करते हुए जब एज ऑप्शन दिखाई देगा छोटा सा लिखा हुआ, आपको कंट्रोल दबाना है और कंट्रोल के साथ यहाँ से इस सर्कल के लाइन से बिल्कुल जस्ट क्लिक करके छोड़ देना है। इससे बाहर नहीं जाना चाहिए। जैसे ही आप क्लिक छोड़ेंगे तो यहाँ पर ये बन चुका है एक लाइन। कंट्रोल स्पेस के साथ हमने फिर से अपना पिक टूल सेलेक्ट करा और ये जो सेंटर पॉइंट आप देख रहे हैं यहाँ पर जब हम क्लिक करते हैं रोटेशन के लिए, तो ये सेंटर पॉइंट उठा के आपको बिल्कुल सर्कल के सेंटर में छोड़ देना है। अब आप जैसे ही इसे रोटेशन के लिए सिलेक्शन करके नीचे की तरफ खींचेंगे आपको सिलेक्शन छोड़ने से पहले यानी कि क्लिक छोड़ने से पहले राइट क्लिक प्रेस करना है। उसके बाद कंट्रोल डी आप फिर से प्रेस करेंगे और देन आपको क्या करना है, सबसे लास्ट का एक टूल होता है स्मार्ट फिल टूल। इसके ज़रिए हम किसी भी सिंगल ऑब्जेक्ट पे कलर भर सकते हैं जो कि हमने अभी अभी बनाया है। तो हमें यहाँ पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ से रेड कलर को फिल आउट कर देना है। साइड वाले कलर पे हमें येलो और इससे थर्ड वाले ऑप्शंस पे हमें ग्रीन कलर को फिल आउट करना है। सेंटर वाले पे हमें कोई भी कलर, यहाँ पर आप देख रहे हैं सियान कलर को ले लेना है और कंट्रोल ए पिक टूल आप कंट्रोल स्पेस से कंट्रोल ए करके सिलेक्ट करा सकते हैं। राइट क्लिक करते हुए आप अगर ऊपर की तरफ देखें जहाँ से कलर का नो आउटलाइन होता है, राइट क्लिक करने से ये हमारी लाइनिंग अब जो बॉर्डर दिख रहे थे ब्लैक कलर के वो दिखने बंद हो जाएंगे। तो ये हमारा क्रोम ब्राउज़र का लोगो बन चुका है। आप भी इसको ट्राई कीजिए।